हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 335। हम देखेंगे कि इस वीडियो में यह सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 335 जो है वो कहता है पर्सन एक्विटेड ऑन सच ग्राउंड टू बी डिटेन इन दी सेफ कस्टडी। जैसे मान लो जो सेक्शन 334 था उसमें कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो होता है ये पाया जाता है कि उसने कोई अपराध किया है, कोई ऑफेंस किया है, लेकिन जो ऑफेंस किया है वो उसे जब ऑफेंस किया था वो मेंटली ठीक नहीं था, वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, तो सेक्शन 335 कहता है कि जब कोर्ट को ये फाइंडिंग होती है कि देयर द अक्यूज्ड पर्सन कमिटेड द एक्ट, कि जिस उसने कोई एक्ट किया जो उसके ऊपर अलर्ज किया गया था, जो उसके ऊपर लगाया गया था, लेकिन जो वो मजिस्ट्रेट जिसके सामने केस चला उसको ये लगता है, बाद में ये पता लगता है सामने ट्रायल चला कि सच एक्ट जो है उसने कमिट किया है, वो जो ऑफेंस है उसने कमिट किया, लेकिन जो ऑफेंस ने कमिट किया वो इनकैपेबिलिटी के कारण किया है, तो वो उस केस में क्या करेगा। इसमें हमारे पास चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इसमें सब सेक्शन 1 कहता है इसी के अंदर कि वो जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर करेगा सच पर्सन टू बी डिटेन इन सेफ कस्टडी, कि उस पर्सन को जिसने ऑफेंस किया अनसाउंड माइंड के कारण उसे एक सेफ कस्टडी में रखा जाए इन सच ए प्लेस एंड मैनर एज द मजिस्ट्रेट और कोर्ट थिंक फिट, कि जैसा कि मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है, ठीक है, उस हिसाब से वो उसके लिए उस प्लेस का सिलेक्शन करेगा। फिर इसमें आगे कहता है वो ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिलीवर्ड टू एनी रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ सच पर्सन, कि उस पर्सन को जिसने ऑफेंस किया है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण उसको किसी रिलेटिव या उसके फ्रेंड्स के को उसको दे दिया जाए। इसी के बाद सबसेक्शन 2 कहता है नो ऑर्डर फॉर द डिटेंशन ऑफ सच एक्यूज इन ए ल्यूनेटिक असाइलम, ल्यूनेटिक होता है जो पागलखाना होता है वहाँ के लिए कहते हैं, सेल बी मेड अंडर सेक्शन अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1 अदरवाइज देन इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, की स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं इंडियन लियोनेंसी एक्ट 1912 जो होता है उसके अकॉर्डिंग टू ही उसको रखा जाएगा। फिर है सब सेक्शन 3 कहता है नो ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ द एक्यूज टू रिलेटिव फ्रेंड सेल बी मेड अंडर क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 1 एक्सेप्ट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ सच रिलेटिव और फ्रेंड एंड ऑन हिज गिविंग सिक्योरिटी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट और कोर्ट दैट द पर्सन सेल डिलीवर्ड सेल, मतलब कि उसकी जो डिलीवरी है उस पर्सन की उसके फ्रेंड या रिलेटिव को तब तक नहीं जाएगी जब तक कि वो एक एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, और एप्लीकेशन जो लिखेंगे उसके अंदर उसको सिक्योरिटी देंगे और उसके ऊपर वो सेटिस्फेक्शन होगा मजिस्ट्रेट को डिलीवरी करते टाइम की, नंबर की बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ द प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग इंजरी टू हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, की जो पर्सन है जिसको उसके रिलेटिव को दे रहे वो खुद को या किसी और को कोई इंजरी नहीं पहुँचाएगा अपने इस पागलपन के कारण। टू बी प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द सच ऑफिसर एंड सच टाइम एंड प्लेस एज द स्टेट गवर्नमेंट रेड, और उसको प्रोड्यूस करेंगे इंस्पेक्शन के लिए किसी भी ऑफिसर के पास जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट या जिसको कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो उसको डायरेक्शन दी जाएगी। फिर सेक्शन जो 4 है वो कहता है द मजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट से रिपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट द एक्शन टेकन अंडर सबसेक्शन 1, कि स्टेट गवर्नमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन भी देगा जो कोर्ट है तो रिपोर्ट करेगा जो भी उन्होंने एक्शन लिया है सबसेक्शन 1 के अंदर।